दिल्ली के नांगलोई जनता मार्केट के अग्रवाल धर्मशाला हनुमान मंदिर हनुमान जन्मोत्सव का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदोलिया भी उपस्थित हुए। नांगलोई अग्रवाल धर्मशाला में पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से जहां परंपराएं यहां के लोग निभाते आ रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव पर अग्रवाल धर्मशाला के प्रधान सुभाष बिंदल, नरेंद्र बिंदल और नांगलोई जनता मार्केट सभी श्रद्धालु उपस्थित रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए, जिसमें सुंदर झांकियां और रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा रोहतक रोड से लेकर नजफगढ़ रोड और नांगलोई बस्ती होकर अग्रवाल धर्मशाला तक यात्रा की समापन हुई। यात्रा में दिल्ली पुलिस का बहुत सही सहयोग रहा। इस यात्रा के दौरान प्रशासन ने हर चीज को गंभीरता से देखते हुए लगातार इस शोभा यात्रा को संपूर्ण बनाया। शोभा यात्रा निकाली गई, कितने की तादाद में भीड़ थी और कौन कौन लोग उपस्थित हुए? आज हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व, पिछले 40 वर्षों से श्री हनुमान मंदिर प्रबंधक समिति अग्रवाल समाज यहाँ नांगलोई का आयोजित कर रहा है और ये बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें आज शुरुआत योगेंद्र चंदोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के प्रत्याशी जो हैं, वो आए, उन्होंने प्रारंभ किया। हमारे बीच में हमारी निगम पार्षदा पूनम सुरेंद्र सैनी जी, मोनिका गोयल जी और पप्पू छीलवाल जी, ये सभी उपस्थित थे और मनदीप शौकीन सभी थे, रविंद्र जी आए, विधायक क्षेत्र के रविंद्र शौकीन जी भी उपस्थित थे और सभी समाजों के प्रमुख, शुक्र बाजार मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, शमशान घाट समिति के प्रधान, सभी जनता मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, सभी यहाँ उपस्थित थे। और ये उत्सव हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सन 1985 में हनुमान जी हमारे यहाँ विराजमान हुए थे और आज लगभग 40 साल हो गए इस कार्यक्रम को होते हुए और पूरी जनता में उत्साह है। बहुत सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर, क्योंकि हनुमान जी जब से नांगलोई में विराजमान हुए, यहाँ समृद्धि की वर्षा हो रही है। यहाँ के लोग जो बहुत ही एक जेजे कॉलोनी है, बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन सब पे हनुमान जी की कृपा है, सबका व्यवसाय फल फूल रहा है, सबके परिवार सुखी सब हैं, हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर पुनः मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत। कितनी देर की यात्रा रही होगी? ये 1.5-2 घंटा ये यात्रा चली है, थोड़ा लेट हो गई है, नहीं तो 11 बजे से पहले ही चल देती थी। पूरा ये नांगलोई वाई ब्लॉक जनता मार्केट से होती हुई नजफगढ़ रोड, नजफगढ़ रोड से कविता कॉलोनी, कविता कॉलोनी से कविता कॉलोनी विशाल कॉलोनी, विशाल कॉलोनी से अशोक मोहल्ला, फिर रोहतक रोड, रोहतक रोड से क्योंकि कैंप नंबर 3 और पंजाबी बस्ती, पंजाबी बस्ती मार्केट हम कवर करते थे, लेकिन वहां रास्ता होने की वजह से, रास्ता बंद होने की वजह से, पुल का निर्माण कार्य होने की वजह से वो वहां हम नहीं ले जा पाए और हमने पुनः शुक्र बाजार मार्केट होते हुए और जनता मार्केट से होते हुए यही इसी मंदिर पे ये यात्रा का समापन। प्रशासन का क्या मौजूदगी रही यहाँ पे? नहीं, प्रशासन पूरी प्रशासन साथ था और प्रशासन का पूरा सहयोग।